YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत दुबियाखाड़ में दो दिनी आदिवासी कुंभ मेला का सोमवार से शुभारंभ हुआ। मेला का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि सूबे के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा सहित स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया, जिला परिषद अध्यक्ष प्रभा देवी, उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह और गणमान्य जनों द्वारा राजा मेदिनी राय की प्रतिमा के अभिनंदन करने के बाद संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान आदिवासी बालावनी परंपरागत वेशभूषा में मांदर की थाप पर नृत्य व संगीत की आकर्षक प्रस्तुति देकर अतिथियों का सत्कार किया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरी और वरीय अधिकारियों ने मंचासीन अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर बड़े गर्म जोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री कन्यादान के तहत इस अवसर पर 51 जोड़ी विवाह सूत्र में बंधे, जबकि मुख्य अतिथि के हाथों JSLPS की ओर से लगभग 1 करोड़ की राशि के चेक महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए गए। वहीं भूमि संरक्षण विभाग के सौजन्य से किसानों के बीच लगभग 30 पंप सेट भी बांटे गए। इसी तरह से कृषि विभाग की ओर से करीब 2 दर्जन किसान भाइयों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि आदिवासी कुंभ मेला की शुरुआत प्रदेश की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी के प्रयास से एकीकृत बिहार के समय से ही 1995 से हुआ था। तब से मेला का आयोजन हर वर्ष धूमधाम से किया जा रहा है। 2019 के मेले में आदिवासी उत्थान को केंद्र में रखकर कृषि विभाग के आत्मा, पशुपालन विभाग, जिला कल्याण विभाग, भारत सरकार की दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार की दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण विकास विभाग और स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न विभागों से कई स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक किया गया। वहीं आज पहले दिन मेला को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पलामू जिले के विभिन्न हिस्सों से आदिवासियों का यहां बड़ा जमघट लगा है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का लोग जमकर आनंद उठा रहे हैं। दूसरे दिन तक मेला का उत्साह छलकता रहेगा।